दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करेंगे अरोमा के NB119 की। और दोस्तों अगर आप पीट्रोन का कोई नेकबैंड लेते हो 600 रुपए की रेंज में, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स को खोलने में थोड़ा समय लगा, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में कर दिया। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलती है, जो किसी की भी ब्रांडिंग कर देती कुछ है। कुछ भी तो कुछ भी है यार, ये किसी की भी ब्रांडिंग कर देते हैं, इनको चाहिए पैसा। तो चलिए दोस्तों अरोमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है अरोमा में जो है आपको 60 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको डुअल पेयरिंग देखने को मिलती है, क्विक चार्ज देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों डुअल पेयरिंग की बात करें तो ये नया फीचर आ रहा है, एक टाइम में आप जो है दो फ़ोन के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो, ये दोस्तों अच्छा फीचर है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे क्विक चार्ज का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 10 मीटर तक की जो है इसकी रेंज रहने वाली है, और ब्लूटूथ जो है इसका वर्जन जो है 5 रहने वाला है। और काफ़ी सारे आप देख सकते हैं अच्छे से, और यहाँ पे आपको सोनाक्षी सिन्हा के सिग्नेचर भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सील पे जो है अरोमा की ब्रांडिंग हो रखी है, जो कि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है। और अनबॉक्स करने के लिए दोस्तों थोड़ा स्पीड बना देते हैं। तो दोस्तों हमने स्पीड बढ़ाई और आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने ग्रीन, थोड़ा सा मैटी कलर में, और देखने में दोस्तों थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अरोमा का पीछे यहाँ भी लोगो लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसकी जो है ब्रांडिंग थोड़ी सी अच्छी कर रखी है, तो देखने में भी थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 बटन आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी क्वालिटी, और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मई 2023 का जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा रखी है, और साथ में आपको देखने का मिलेगा सिंस 1999 यानी 1999 से कार्यरत है। तो अगर देखा जाए ब्रांड जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उस हिसाब से दोस्तों इसमें कुछ देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं बीच वाले बटन से। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं। कुछ देर दबाने के बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इंडिकेटर दिखाई देगा, तो ये दोस्तों हमारा जो है ऑन हो चुका है ब्लूटूथ। तो अपने फ़ोन के साथ जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं, टाइम देखते हैं इसमें कनेक्ट होने में कितना लगता है। तो दोस्तों नीचे की तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो पेयर न्यू डिवाइस कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है NB119G, इसके ऊपर टैप कर लेते हैं। इसके ऊपर जैसे ही टैप करते हो तो दोस्तों ये आपका जो है ब्लूटूथ के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको जो है कुछ सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं वॉल्यूम हाई कर देता हूं, और हाई वॉल्यूम में सुनने पर दोस्तों इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिला। दोस्तों यहां भी इसका प्लस पॉइंट रहने वाला है, यहां पे एक साइड में जो है आपको लेफ़्ट राइट में बस और ट्रेबल देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों अच्छी बात है। तो इसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी ठीक ही रहने वाली है, जो देखने में थोड़ी ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें इसकी मैग्नेट की, तो ये भी थोड़ा ठीक ही है, इतना खास इसके अंदर जो है मैग्नेटिक पावर देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिला के ठीक ही है, इसको ठीक ही कह सकते हैं, बाकी इतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अगर कुल मिला के बात की जाए तो ये ठीक ही रहने वाला है, 400 रुपये के अंदर आपको मिलता ही क्या है। अगर आप कोई और ऐसा ब्रांड 400 रुपये के अंदर मंगवाते हो तो दोस्तों उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये 400 रुपये के अंदर दोस्तों अच्छा ब्रांड आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।